डालेंगे एक चम्मच भुना हुआ बेसन इसके फ्लेवर के लिए। इसमें डालेंगे हम प्यूरी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा आधा डालेंगे ब्रेड ग्राइंडिंग के लिए और उसके गोले गोले मैंने तेल लगा दिया आंखों में। और ये आपकी इच्छा है, छोटे बोल्स बनाए बड़े बनाए। इस तरह में शेप आप पेंसिल बना सकते हैं। मेरे बड़े बड़े कबाब तैयार हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, उसको धीरे से चलो फ्राई करेंगे।